हाय गाइस, मैं सूरज आज आपके नए वीडियो के साथ आए दोस्तों, जिसमें हमको बताने वाले हैं कि आज से जो बीएससी सेकेंड ईयर के जुलौजी का थर्ड पेपर है, तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन 2020 में आ रहे हैं। सच में बता रहा हूँ, 2020 में आने वाले क्वेश्चन को बताऊंगा इस वीडियो में। केवल आपको वीडियो को क्वेश्चन की बात करूँ तो लगभग मैं आपको 21 क्वेश्चन दूंगा, 21 भी नहीं होंगे, लगभग मैं 18 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इनमें क्वेश्चनों में से कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही डिलीट करने वाला हूँ, बिल्कुल भी हटाने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे मैं देखा है कि बहुत सारे रिपीट हो रहे हैं ना क्वेश्चन, वही आ रहे हैं। अब की इंप्रूवमेंट में भी वही आए थे जो मैंने कहा था, देख सकते हैं आप। इंप्रूवमेंट के एक पेपर भी हमने अपलोड कर दिए हैं, 100% जो बताया था वो आया, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि 90% प्लस बनाना हूँ तो टॉपर बनना है ना, तो हर एक क्वेश्चन को याद कर लेना। मैं आपसे वादा करता हूँ कि 90% प्लस आएगी यदि आप हर एक क्वेश्चन को मेरे द्वारा बताए हुए क्वेश्चन को याद करके जाते हैं, तो देख लेना। इंप्रूवमेंट के भी पेपर हमने लीक कराए थे, इंप्रूवमेंट पेपर जो हुए थे अभी हाल ही में, वो भी हमने आपको इंपोर्टेंट दिए थे। बस उतने पेपर जो भी याद करके गया है, तो एक एक क्वेश्चन फंसा एग्जाम में, 90% 70% से ऊपर फंसा है, नीचे नहीं फंसा है, ठीक है, याद रखना। और जो ठीक है, 21 में जो मैंने आपको 21 क्वेश्चन दिए थे उसकी बात कर रहा हूँ, जो 10 क्वेश्चन दिए थे उसमें 70% से ऊपर फंसा था। तो मैं आपको केवल 2 दिन पहले आपको दूंगा केवल 10 क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा याद करने पड़ेंगे, 1 दिन पहले या 2 दिन पहले दूंगा जो आपको बहुत ज़्यादा याद करने पड़ेंगे, रटना है बस उनको याद करके जाते हैं, तो बिल्कुल आप 70% पा सकते हैं जो 70% की उम्मीद रखता है वो। और जो 90% टॉपर बनना चाहता है, तो मैंने आपको बिगड़ 4-5 महीने पहले इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ, सिर्फ ये याद कर लो बस, पेपर में 90% क्लियर होगी, 90% से ऊपर लाओगे यदि आप इतने क्वेश्चन को याद कर लेते केवल 18 क्वेश्चनों को। तो चलते हैं अपनी वीडियो को, क्योंकि अभी देखो बारिश हो रही है और एक्चुअली मैं एक मार्केट में फंसा हूँ, तो सोच रहा था टाइम ना बर्बाद हो, फिर भी मैं आपको एक वीडियो अपलोड कर दूँ, क्यों ना। तो चलते हैं इस वीडियो के, और लास्ट तक वीडियो बने रहना यार, इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो यार अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना यार इस वीडियो को, ठीक है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन को, देखिए पहला क्वेश्चन बोल रहा है स्तनधारी में श्वसन कैसे होता है। आप जानते हैं स्तनधारी को सांस कैसे लेते हैं, यही सब कुछ आपको प्रक्रिया के बारे में बताना है, ठीक है। उसके बाद में भोजन का पाचन भी आपको पता होना चाहिए यार, स्तनधारी या मानव या कोई भी मान लो वो भोजन कैसे करते हैं, डिजेस्टिव सिस्टम ऊपर, मतलब कि भोजन कैसे करते हैं, उनका पाचन कैसे होता है, यही सब कुछ बताना है। ये तो सिंपली यार हर एक बंदा जानता है, अपने बारे में लिख दो, हम खाते हैं क्या होता है, फिर अग्नाशय में जाता है, फिर स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में चुका, सीधे एमिनेशन, ये सब कुछ बताना है होता है, ठीक है। और उसके बाद में आता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है रक्त स्कंदन। अब रक्त स्कंदन के बारे में जाते हैं, वर्ल्ड ग्लेटिंग क्या होता है, ठीक है। उसके बाद में रक्त की संरचना वगैरह, ये सब कुछ आप जानते ही होंगे, बिल्कुल सिंपली यार ये कुछ नहीं, हृदय स्कंदन, हृदय का धड़कना वगैरह वो स्कंदन, ठीक है। तो ये भी आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, हैबिटेट पूरी हार्ट की पूरी प्रॉब्लम जो, तो आप देखिए हार्ट से क्वेश्चन रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड और पाचन से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, ये तो आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आपका दीर्घ बन जाएगा, जो आपका 6 नंबर का होगा, बीएससी सेकेंड ई वाले हो तो 6 नंबर का होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिए आपको सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछने वाला है, ये क्वेश्चन को मैं हटाने वाला हूँ, क्योंकि देखिए प्रोटीन फाजन ये आता जरूर है क्वेश्चन, ये वाला नाइट्रोजन बेस वाला मैं आपको हटाने वाला हूँ, ये नहीं आएगा एग्जाम में, नहीं पूछा जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन बसा का पाचन कैसे होता है, याद रखना ये पाचन कैसे होता है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश और हिंदी में दोनों को मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखा हुआ है, याद रखना, ठीक है। तो फिर चलते हैं, यहाँ आपका चलता है फिर एक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मूत्र का निर्माण वक्र में कैसे होता है, किडनी के अंदर हमारा जो फॉर्मेशन कैसे होता है मिनरल्स के अंदर, ठीक है, यूरिन का मतलब कि मूत्र का निर्माण कैसे होता है, ठीक है, याद रखना, महत्व के बारे में बताना है आपको, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट, देखिए एक क्वेश्चन मैंने आपको छुड़वा दिया, याद रखना वो नहीं याद करना है, तंत्र का कोश का याद रखना ना, तंत्र जिसे हम नर्वल सिस्टम कहते हैं और नर्वल सेल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको 5-6 नंबर का बनेगा, जो दीर्घ क्वेश्चन बनता है ना पूरा के पूरा आपको यहाँ बन जाएगा, याद रखना पूरा के पूरा यहाँ आपको बन जाएगा, और याद रखने की चीज़ें ये, ठीक है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, वो बनता है आपका, देखिए तंत्र का कोश का याद कर लेना, पेशी ऊतक और पेशी में ये अंतर आता है, पेशी ऊतक पेशी के अंदर होता है ये देख लेना, और थायराइड ग्रंथि की रचना देख लेना, अंतःस्रावी ग्रंथि, ये जो पीयूष ग्रंथि होती है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पीयूष ग्रंथि देख लेना, अंतःस्रावी ग्रंथि छोड़ देना, लेकिन ये भी देख लेना, अंतःस्रावी होती है पीयूष ग्रंथि के अंतर्गत आती है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, अग्नाशय ग्रंथि है, ये सब क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। और थायराइड की संरचना कैसी होती है, थायराइड ग्रंथि होती है, वो याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में मानसिक चक्र तो याद ही करना है, जो हम जो कहते हैं जैसे हार्मोन्स के महत्व क्या था, वो कैसे होते हैं, हार्मोन्स क्या होते हैं, मानसिक चक्र के बारे में ध्यान से देख लेना, ठीक है, जैसे मेजिस्ट्रल साइकिल कहते हैं। उसके बाद में एंजाइम तो आप जानते हैं एंजाइम क्या होता है, ठीक है, और एंजाइम कैसे कैसे बनते हैं सारे, और स्वभाव कार्य प्राणी गुण के बारे में बता देना है आपको। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देख के जाना है, ये सब छोड़ दीजिए, कार्बोहाइड्रेट के रसायन अभिक्रिया ये भी छोड़ दीजिए, लिपिड का वर्गीकरण कैसे, लिपिडों का वर्गीकरण, लिक्विड जो लिपिड होते हैं ना, लिपिड का वर्गीकरण देख लेना, क्लासिफिकेशन और सिग्निफिकेशन,
ठीक है, ये दोनों देख लेना। उसके बाद में क्रमांकुंचन और ये आता है क्रमांकुंचन, ये देख लेना इसकी प्रक्रिया कैसी होती है। श्वसन रंजक देख लेना, ठीक है, पिगमेंट क्या होता है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट और कलर फिट ये छोड़ देना, ठीक है। तीन क्वेश्चन छुड़वा चुका हूँ इसे छोड़ देना। उसके बाद में आपका बोहर का प्रभाव देख लेना, देखिए बोहर प्रभाव देख लेना आपको, ये शॉर्ट में बन जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में। पेसमेकर देख लेना और क्रिया, ये तीनों क्वेश्चन देख के जाने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेंगे मिलेंगे देखने के लिए। और ये सोडियम पंप वगैरह छोड़ना, ठीक है, ये केमिस्ट्री में पूछा जाएगा आपको। और एंड्रल ग्रंथि ये आपको देख लेना है, ठीक है, एंड्रल ग्रंथि क्या होती है, ग्लैंड्स, ये देख लेना है। और पिन जो पिंक्रास होता है, पिंक्रास जिसे हम अग्न्याशय कहते हैं हिंदी में, एक्चुअली अग्न्याशय कहा जाता है पिंक्रास को, ये आपको देख लेनी है, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये कैसे काम करता है, क्या क्या इसकी फॉर्मेशन है, ये सारे के सारे देख लेना है, ठीक है। और उसके बाद में आपको मेरे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, उसके देखना है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा एंजॉय में पूछा जाता है, वो पूछा जाता है पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं। याद रखना पॉलीसेक्राइड्स एक एक को देख लेना है, और कोएंजाइम, ठीक है, कोएंजाइम। और आपको देखिए, या तो ये तीन चार क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको एग्ज़ाम में मिलेंगे देखने को, मैं बता रहा हूँ, उन चार एग्ज़ाम में से तीन क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, पॉलीसेक्राइड को भी मिलेगा, कोएंजाइम भी मिलेगा, और पेरेट फिट सिद्धांत या ताला संधि, इन दो सिद्धांतों में से एक सिद्धांत आपको देखने को मिलेगा। याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूँ उससे एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, ठीक है, जो जो मैंने आपको बताएं टिक लगा लो अपने बुक में और बुक करके आओ। इसकी शॉर्ट ट्रिक से वीडियो बना दूंगा, आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो लास्ट तक वीडियो बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और मैं आपको जो बताया उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं, बीएससी टॉप करना चाहते हैं, तो मैंने आपको टिक लगावा दिए, ऐसे याद कर लो। याद रखना मेरे प्यारे दोस्तों, आप यदि हिंदी में लिख के आते हैं ना, तो याद रखना आप अच्छे नंबर से पास नहीं हो पाओगे, ठीक है। आपको थोड़ा सा हिंदी में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बिल्कुल हिंदी लिख के आइए, देखिए हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बो लिख के आते हैं ना, तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। यदि आप टोटल इंग्लिश का होगे लिख के आओगे तभी आप टॉपर बन पाओगे, वरना टॉपर बनने की सोचना भी मत। मैं आपसे ये बात बहुत, देखिए बहुत लोगों को तो ये कड़वी भी लगेगी, लेकिन मैं ये कहते हैं कड़वा सच हो, जो सच होता है ना वो कड़वा लगता है। तो मैं आपसे बता रहा हूँ टोटल इंग्लिश लिख के आओगे तभी आप टॉपर बन पाओगे, वरना टॉपर बनने के सपने छोड़ दो, सेकंड विजन आएगी आपकी, और हिंदी इंग्लिश दोनों लिख के आओगे तो ठीक है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे स्टडी करना चाहते हैं वैसा करिए, ठीक है। तो आई होप हमारी वीडियो पसंद आई हो। और थर्ड विजन वाले वो स्टूडेंट आते हैं जो टोटल हिंदी लिख के आते हैं वो थर्ड विजन में आते हैं, याद रखना। और सेकंड विजन में हिंदी और इंग्लिश वाले जो लिख के आते हैं वो आते हैं, और फर्स्ट विजन में आते हैं तो टोटल इंग्लिश लिख के आते हैं। तो आई होप हमारी इतनी बात पसंद आई हो, तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। थैंक यू।